हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिमिक्स टेक्नो। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्वर्टर के बारे में। आपको अपने घर के लिए कौन सा इन्वर्टर बेस्ट रहेगा, आज इसी टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, गर्मी का दिन आ ही चुका है और इस समय लाइट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति में इन्वर्टर ही इस लाइट के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इन्वर्टर लेने से पहले एक चीज़ का डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है कि आप उसका कितना लोड देने वाले हो, यानी आप उसका कितने फ़ैन, कितने बल्ब जलाने वाले हो और कितने टीवी चलाने वाले हो। तो ये चीज़ का डिसाइड करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप इन्वर्टर पे रेफ्रिजरेटर या ऐसी पूरा लोड लगा करके तो चला ही नहीं सकते। अगर आप ऐसा चलाओगे तो तुरंत वो डाउन हो जाएगा, इसका बैटरी डाउन हो जाएगा, बैटरी बैकअप नहीं दे पाएगा उतना। तो आप उस पर कितना बल्ब लगा सकते हो या कितना फ़ैन चलाना चाहते हो या कंप्यूटर चलाना चाहते हो या जितना भी आपको लोड है उस सबको काउंट कर लेना होगा। आपको कितना लोड उस पर देना है, उस लोड के अनुसार ही, उसके वाट के अनुसार ही आपको इन्वर्टर खरीदना पड़ेगा। तो दोस्तों, आप इन्वर्टर से हैवी लोड उठाना चाहते हो तो आपको ड्यूअल बैटरी, ट्रिपल बैटरी वाला इन्वर्टर लेना होगा। जो अलग इन्वर्टर आते हैं ड्यूअल बैटरी ट्रिपल बैटरी के साथ में, तो आप वो इन्वर्टर लेना पड़ेगा आपको हैवी लोड चलाने के लिए। तो मैं इस वीडियो में वो वाले इन्वर्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, ड्यूअल बैटरी ट्रिपल बैटरी वाले इन्वर्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंगल बैटरी वाला इन्वर्टर की बात कर रहा हूँ जो नॉर्मल घर में यूज होते हैं। तो इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक पे बात करूँगा। तो दोस्तों, अगर आप बिना लोड पता किए इन्वर्टर खरीदने जाओगे दुकानदार के पास, तो दुकानदार आपको कोई सा भी इन्वर्टर उठा के दे देगा जो कम वाट वाला होगा। तो उसमें आपको प्रॉब्लम आ जाएगी कि आपका इन्वर्टर जो होगा वो स्लो चार्ज होगा या फिर उस पर ओवरलोड का प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसलिए मैं फ्रेंड्स एक बार फिर से कहता हूँ कि जब आप इन्वर्टर परचेज करने जाएं तो आप हमेशा ध्यान दें या फिर देख लें कि हम उस पर कितना लोड देने वाले हैं, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। तो फ्रेंड्स, आप अपने घर का लोड कैसे कैलकुलेट करेंगे, उस पर हमको कितना लोड चलाना है, ये मैं अभी कैलकुलेट करके दिखाऊंगा एक एग्जांपल के थ्रू। तो फ्रेंड्स, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने कुछ लोड यहाँ पे ले रखा है एग्जांपल के थ्रू। आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लेना आपको कितना डिवाइस चलाना है। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया है 4 फैन, 9 LED और 1 LED TV। मैं इतना का लोड यहाँ पे लेकर दिखाऊंगा, सॉरी यहाँ पे हमको कैलकुलेट करके यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। ये 4 फैन जो 75 वाट का है मैं इसको चलाऊंगा, और ये 9 LED जो 9 वाट का है 9 LED मैं चलाऊंगा, और 1 LED TV चलाऊंगा 45 वाट का। तो यहाँ पे टोटल वाट आएगा मेरा 426 वाट, यानी 4 फैन 75 वाट का, यानी फ़ैन का पूरा टोटल लोड हो गया यहाँ पे टोटल 300 वाट, और 9 LED 9 वाट का है तो 981 वाट यहाँ पे हो गया, और LED TV मैंने मान लिया 45 वाट का LED TV है, यहाँ 45 वाट लिख दिया। यहाँ पे टोटल लगभग मेरा आ गया कितना 426 वाट, यानी 426 वाट यहाँ पे टोटल लोड आ गया, और इसी 426 वाट को इन्वर्टर को चलाना है। तो एक फार्मूला निकल के आता है, वाट इज इक्वल टू VA इंटू 0.8। अगर आप इन्वर्टर खरीदने जाओगे तो वहाँ पे आपको इन्वर्टर पे लिखा रहेगा कि इतना VA 900 VA, 950 VA, 800 VA। तो ये VA में हमको कन्वर्ट करना है इस वाट को। तो यहाँ पर फार्मूला आता है वाट इज इक्वल टू VA इंटू 0.8। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, वाट के जगह 426 वाट लिख दिया, VA इंटू 0.8 कर दिया। तो जब यहाँ पे VA निकाला तो मेरा आया 532.5 VA, यहाँ पे 532.5 VA यहाँ पे आया, और ये लगभग मैं इसको 533 वाट कर लिया। और जब ये 533 वाट जब यहाँ पे वाट निकल के आया, तो मुझे एक्स्ट्रा लोड अगर बढ़ाना पड़ गया तो हमको और आपको और वाट का ज़रूरत पड़ेगा। नहीं तो अगर मैं 533 VA कर दे रहा हूँ यहाँ पे 533A, अगर 533 VA का अगर मैं इन्वर्टर इस्तेमाल करूँगा, तो अगर इन फ्यूचर मुझे अगर 1 LED और चाहे कोई भी अगर डिवाइस ऐड करना होगा तो ये तुरंत ओवरलोड हो जाएगा और कट ऑफ कर देगा। तो इसलिए मैंने लगभग इसको एक्स्ट्रा करके 540 VA से लेके 550 VA तक का हमको इन्वर्टर का यूज़ होगा, यानी 426 वाट को चलाने के लिए या फिर एक्स्ट्रा हमको यूज़ करने के लिए लगभग हमको 540 से 500
50 VA का यूज़ करना होगा इन्वर्टर। तो ये यहाँ पे हम फार्मूला से यहाँ पे निकाल दिए। तो इस तरह से आप लोड ले करके अपने से अपना लोड को कैलकुलेट करके VA निकाल करके उस VA के अनुसार आप इन्वर्टर को सिलेक्ट कर लेना अपने हिसाब से। तो फ्रेंड्स, आपको पता चल गया कि कैसे लोड निकालना है, कितना लोड का इन्वर्टर हमको लेना पड़ेगा, कितना वाट कितना VA का हमको इन्वर्टर लेना पड़ेगा। तो ये सब तो आपको पता चल चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो नेक्स्ट स्टेप है मेरा। तो फ्रेंड्स, अगला स्टेप ये है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अनुसार कितने पार्ट्स में इन्वर्टर बढ़ चुके हैं। पहले आया स्क्वायर वेव इन्वर्टर, दूसरा आया, उसके बाद जो इम्प्रूवमेंट हुआ कुछ, उसके बाद आया मॉडिफाइड साइन वेव इन्वर्टर, तीसरा आया जो लेटेस्ट है वो प्योर साइन वेव या साइन वेव इन्वर्टर। तो बात करते हैं स्क्वायर वेव इन्वर्टर के बारे में। तो इसके ऊपर हम डिटेल नहीं बताएंगे पूरा, इसका मैं आपको एक ग्राफ दिखाता हूँ। तो जो एसी का जो यहाँ पे ग्राफ बनता है स्क्वायर वेव इन्वर्टर का, तो कुछ इस तरह से होता है। तो दोस्तों, इस इन्वर्टर से जो डिसएडवांटेज है वह मैं आपको बताने वाला हूँ। इससे आप टीवी या कंप्यूटर नहीं चला सकते हैं, फैन चला सकते हैं, एलईडी बल्ब चला सकते हैं, लेकिन आप इससे टीवी या कंप्यूटर जैसे डिवाइस, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वो नहीं चला सकते हैं। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि इसमें हमिंग साउंड आता था। जब आप फैन चालू करोगे तो इसमें हमिंग साउंड, जो फैन का जो हमिंग साउंड जो होता है, वो हमको यहाँ पे फैन में सुनने को मिलता था, इसके वजह से, इस इन्वर्टर की वजह से, इस स्क्वायर वेव इन्वर्टर की वजह से। और इससे सबसे ज़्यादा खतरा रहता था टीवी, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह चीज़, कंप्यूटर वगैरह जितना एसेसरी है, जब आप इसे चलाओगे तो इस पर ख़राब होने का चांस ज़्यादा रहता था कंप्यूटर को। अब उसके बारे में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट किया गया, तो आया मॉडिफाइड साइन वेव इन्वर्टर। इसमें उसमें कुछ थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट किया गया, आप इससे कंप्यूटर वगैरह चला सकते थे, फैन चला सकते थे, लेकिन इसमें भी थोड़ी सी हमिंग देखने को मिलती है। इसमें भी हमिंग की प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व नहीं हुआ। अगर आप इसे होम थिएटर वगैरह सब चलाओगे तो जब होम थिएटर बंद आएगा तो उसमें हमिंग का साउंड आएगा इसी वजह से, और फैन जब चालू करेगा तो उसमें हल्का सा हमिंग का साउंड इस मॉडिफाइड साइन वेव इन्वर्टर से आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जो अब जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो प्योर साइन वेव इन्वर्टर, वो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इससे सब कुछ चला सकते हो। आप इसमें जो एसी का जो नॉर्मल करंट आता है, जो हमारे बाहर से जो करंट आता है, वो प्योर साइन वेव होता है, तो जस्ट उसी के जैसा ये करंट निकालेगा ये। तो दोस्तों, इन तीनों इन्वर्टर जो मैंने बताया, प्योर साइन वेव, जो स्क्वायर वेव या मॉडिफाइड जो साइन वेव इन्वर्टर है, तो मैं इन तीनों में से मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप हो सके तो आप प्योर साइन वेव इन्वर्टर लें। इससे सब कुछ आप आराम से चला सकते हो, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला इन्वर्टर है, तो आप इसी को परचेज करें। मेरा तो यही सजेशन है कि आप प्योर साइन वेव इन्वर्टर की तरफ जाएं। तो दोस्तों, अब बारी आती है बैटरी की, कि आपको अपने इन्वर्टर के लिए कौन सा बैटरी लेना चाहिए। तो अगर आप अच्छी लोड चलाते हो, उस पर अच्छा लोड देना चाहते हो, या फिर लॉन्ग बैकअप लेना चाहते हो इन्वर्टर से, तो आप 150 से लेकर के 280 Ah तक बैटरी यूज़ कर सकते हो, और वो आपको अच्छा बैकअप दे देगा। जितना ज़्यादा एज की बैटरी लोगे, आपका बैटरी लाइफ टाइम उतना ही ज़्यादा होगा। तो दोस्तों, अब बैटरी के भी प्रकार होते हैं, कि कितने प्रकार के बैटरी होते हैं, आप उसमें से कौन सी बैटरी आपको यूज़ करना चाहिए। तो बैटरी के टाइप्स हैं ट्यूबलर बैटरी, फ्लैट बैटरी और नॉर्मल बैटरी। तो हमको अपने इन्वर्टर के लिए ट्यूबलर बैटरी का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसमें एसिड डली रहती है, जिसमें पानी डाला जाता है, तो वो ट्यूबलर बैटरी हमारे इन्वर्टर के लिए बेस्ट है। और जब आप ट्यूबलर बैटरी को अपने इन्वर्टर में इंस्टॉल करते हो, जब लगाते हो, तो एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि उसका जो पोलैरिटी होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, प्लस को प्लस में लगाना चाहिए और माइनस को माइनस में लगाना। अगर आप उल्टा लगाओगे तो उसका मॉस्फेट ख़राब हो सकता है। और एक बात और फ्रेंड्स, कि जब अपना बैटरी को लगा रहे हो तो उसमें जो वाटर लेवल का जो इंडिकेटर होता है उसको ज़रूर लगा लेना, जिससे आपका वाटर लेवल का पता चलता रहे कि आपके बैटरी में कितना पानी है। अगर पानी सूख जाएगा तो आपका बैटरी का लाइफ बहुत ही कम हो जाएगा और बैटरी तुरंत ख़राब हो जाएगा। और ट्यूबलर बैटरी की सेफ्टी के लिए मैं और आपसे कुछ टिप्स शेयर करना चाहता हूँ फ्रेंड्स, कि अगर आपको ट्यूबलर बैटरी की लाइफ टाइम अच्छा बनाना है, तो उसको सप्ताह या महीना में एक बार डिस्चार्ज
कर देना पूरा। डिस्चार्ज पूरा करने के बाद उसके बाद आपको उसको चार्ज करना है, जिससे बैटरी का लाइफ टाइम बढ़ जाएगा और आप इसको लंबे समय तक यूज कर सकते हैं। और एक बात और फ्रेंड्स, कि आप अपने ट्यूबलर बैटरी को रूम से बाहर ही रखें। ऐसा इसलिए कि जब आपका इन्वर्टर चार्ज होगा तो बैटरी चार्जिंग के दौरान इससे गैस निकलती है, जो वो बैटरी का गैस निकलता है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। इसलिए जितना कोशिश हो सके आप अपने रूम से बाहर ही बैटरी को रखें। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबाना फ्रेंड्स, इस तरह के वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना फ्रेंड्स, ताकि ये बात सबको पता लगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।